पोलिश नोटेशंस, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोलिश नोटेशंस, इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। पोलिश नोटेशन जो होती है हमारे पास तीन टाइप की होती हैं। सबसे पहली टाइप है हमारी इनफिक्स नोटेशन, दूसरी टाइप है हमारी पोस्टफिक्स नोटेशन एंड थर्ड है हमारे पास प्रीफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशंस वो होती हैं जिसके अंदर हमारे पास जो सिंबल होता है, सिंबल यानी कि प्लस, माइनस, इवनली मल्टीप्लीकेशन, मॉड्यूलस एंड सारे के सारे सिंबल आपके जो बीच में आते हैं आपके, तो उसको हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशंस। ए और बी हमारे पास कोई भी करेक्टर्स हैं। पोस्टफिक्स नोटेशन को हम पोलिश नोटेशन भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो भी सिंबल हैं वो हमारे पास पहले आते हैं, पोस्ट मतलब पहले आ जाते हैं करेक्टर से। और जो इनफिक्स प्रीफिक्स नोटेशंस होती हैं, जिसको हम रिवर्स पोलिश नोटेशन भी कहते हैं, उसके अंदर जितने भी सिंबल्स हैं वो हमारे पास करेक्टर्स के बाद में आते हैं। तो प्रायोरिटी क्या होती है एल्गोरिदम की? इसके अंदर प्रायोरिटी हमारे पास सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पोलिश नोटेशन की। सबसे पहले जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो हमारे पास होती है एंड की, और ये जो एरो होता है ये होता है हमारे पास टू दी पावर का, टू दी पावर का जो एरो होता है हमारे पास। और मिडल होता है, मिडल प्रायोरिटी होती है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की। सबसे लोएस्ट, सबसे छोटी जो हमारे पास प्रायोरिटी है वो है हमारे पास प्लस और माइनस की। हाईएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से तो सबसे पहले हमारे पास एवोल्यूशन है, प्रीफिक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास एक एग्जांपल है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स हमने इसको चेंज करना है, सॉरी हमने इसके अंदर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स हमने इसको चेंज करना है। इस वाले क्वेश्चन को इनफिक्स टू पोस्टफिक्स चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर सबसे स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं स्टार्टिंग ब्रैकेट, और इसको बंद कर देंगे विद एंडिंग ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इसी से आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा होएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो क्वेश्चन है उसको स्कैन करेंगे हम लोग लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हमने स्कैन किया, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आई ये ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को हमने डाल दिया स्टैक के अंदर। स्टैक हमेशा सिंबल्स कंटेन करेगा। सबसे पहले हमने स्टैक के अंदर ये डाल दिया, और एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, एक्सप्रेशन में हमारे पास डैश कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास अगला जो हमने स्कैन करा वो है ए। हमारे पास स्टैक में सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स आएंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट आ गई, फिर उसके बाद हमने ए लगा दिया। ये जो ब्रैकेट होती है ये आपकी एडिशनल होती है, ये लगी हुई नहीं आएगी, ये आपको लगानी पड़ेगी बाद में जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। फिर आता है आपके पास प्लस, प्लस हमारे पास आ गया ब्रैकेट के बाद, तो ए आ गया। फिर आपके पास दूसरी ब्रैकेट आ गई, दूसरी ब्रैकेट आपकी स्टैक में पुश होगी, पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, इंसर्ट कर दिया हमने। फिर बी आ गया, बी आपका एक्सप्रेशन के अंदर चला गया। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास स्टैक होता है वो हमारे पास एक फॉर्मूले से चलता है, वो है आपका जिसके अंदर हमारे पास जो लो प्रायोरिटी वाले सिंबल्स हैं वो पहले आते हैं और हाई प्रायोरिटी वाले हमारे पास बाद में आते हैं। और जो एक्सप्रेशन होती है वो वाली जो आपकी जो ये चलता है, ये आपका चलता है फ्रॉम हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी। जो हमारे पास स्टैक है वो चलता है आपका लो प्रायोरिटी टू हाई प्रायोरिटी। अब जो है हमारे पास आता है बी। बी हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि स्टैक सिर्फ सिंबल कंटेन करता है। मल्टीप्लाई आ गया आपका स्टैक के अंदर, बी आपका ऐसे ही आ गया, सी हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन के अंदर। अब क्या होएगा, अब आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी आपकी कम होती है एज कम्पेयर टू, सॉरी माइनस की जो प्रायोरिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर जो मैं क्या करूंगा, अगर जो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लीकेशन था, मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस लगाऊंगा तो क्या होगा, हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है और माइनस की प्रायोरिटी कम है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टैक में हमेशा लो प्रायोरिटी टू हाई प्रायोरिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसके अंदर हमारे पास जो लो प्रायोरिटी है वो पहले आएगी। तो माइनस की लो प्रायोरिटी है वो हमने यहाँ पे ऐसे एज इट इज उतार दी, लो प्रायोरिटी आ गई हमारे पास। जो मल्टीप्लीकेशन है अब हम
उसको एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे। एक्सप्रेशन के अंदर डालने से हमारे पास जो कंसेप्ट है वो ठीक हो जाएगा, उसके अंदर हमारे पास लो प्रायोरिटी टू हाई प्रायोरिटी स्टैक हमारा ठीक हो गया और एक्सप्रेशन के अंदर आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वाले एल्गोरिदम के अंदर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लो प्रायोरिटी टू हाई प्रायोरिटी के अंदर जा रहे हैं। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन जैसे यहाँ पे पहले से ही है, यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो वो हाई टू लो हो जाएगा, बल्कि स्टैक करता है लो टू हाई। तो सबसे पहले माइनस को यहाँ पे लगाएंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को बाद में नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन को हम एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे। तो फिर आता है आपका सी, सॉरी ब्रैकेट आता है, ये ब्रैकेट जो है आपका स्टैक के अंदर आएगा, फिर हम मल्टीप्लीकेशन ऐसे डी आपका एक्सप्रेशन के अंदर आ जाएगा। अब आपके पास जो सिंबल है वो आता है आपका डिवीजन, डिवीजन आपका जो है वो डिवाइड, डिवीजन जो है आपका ऐसे ही आ जाएगा स्टैक के अंदर, फिर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। और यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स का कुछ नहीं है, मतलब ब्रैकेट्स आपकी ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी लो है या कम है, ब्रैकेट्स आपकी वहीं पर आएंगी और जो प्लस माइनस है इनके अकॉर्डिंग चलता है, प्लस और माइनस इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो ये दोनों इसी स्टैक के अंदर हैं, डिवीजन डिवीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अगर जो आपने बीच में चेक भी करना है कि आपका स्टैक सही है कि नहीं है, तो ये है कि लो प्रायोरिटी टू हाई प्रायोरिटी के अंदर आपका अगर जो फॉर्मूला ठीक लग रहा है, यहाँ पे सबकी प्रायोरिटी लो है फिर उसके बाद हाई है, क्योंकि प्लस और माइनस की दोनों की सेम प्रायोरिटी है तो लो ही होगी। तो फिर आपके पास ई है, ई आपके पास आ जाएगा एक्सप्रेशन के अंदर, फिर आपके पास आएगा ये होता है आपका टू दी पावर। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये सबकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस वाले सिंबल की होती है। तो ये जब इस सिंबल इसके अंदर आया तो ये क्या हो गया आपका लो टू हाई, मतलब ओके है, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब स्टैक आपका ठीक चल रहा है। फिर आपके पास एफ आता है, एफ आपका यहाँ पे इंसर्ट होगा, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज होने का मतलब क्या होगा कि आपके पास ब्रैकेट क्लोज आ गई तो आपको एक ओपन ब्रैकेट और एक क्लोज ब्रैकेट के बीच में जितनी भी है उसको हमने क्रॉस कर देना है, मतलब हमारे पास जो है वो चीज पूरी होगी, मतलब ओपन और क्लोज हो गया तो हमारे पास वो कैंसिल आउट होगी और जो डिवीजन और टू दी पावर वाली चीज है वो हमारे पास चली गई एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर चली गई। हमारे पास जो है फिर वो जैसे कि हमारे पास सी और ब्रैकेट और माइनस में आ गया आपका, फिर हमारे पास ये आ गई इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर। एक्सप्रेशन में क्या होगा, हम एक्सप्रेशन का फॉर्मूला में क्या होता है, हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी के अंदर हमारे पास जो हाई वाली है वो है आपका ये टू दी पावर वाला और डिवीजन है, तो टू दी पावर पहले आ जाएगा और डिवीजन आपकी माइनस में आ जाएगी। सिर्फ इतना सा याद रखना है कि यहाँ पे लो प्रायोरिटी टू हाई प्रायोरिटी चलेगा और यहाँ पे हाई टू लो चलेगा, और जब दोनों ब्रैकेट आपस में कैंसिल आउट होंगी और फिर आएगा आपका मल्टीप्लीकेशन, माइनस के बाद आपका मल्टीप्लीकेशन आ गया, ठीक है जी, फिर वो एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि लो टू हाई चल रहा है, माइनस लो है और मल्टीप्लीकेशन हाई है। जी आ गया आपका, जी आपका बाद में आ गया, फिर आ गया आपका, फिर दोबारा ब्रैकेट क्लोज हुई, ब्रैकेट क्लोज होने से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, जो मल्टीप्लीकेशन हाई है वो पहले आ जाएगी और जो माइनस है वो छोटी है वो बाद में आ जाएगी। फिर आपके पास मल्टीप्लीकेशन होगी, मल्टीप्लीकेशन इज हाई और प्लस इज लो प्रायोरिटी, तो जब हम फिर एच आ गया, एच हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक्सप्रेशन के अंदर। फिर हमारे पास जो है ना ये लास्ट ब्रैकेट है एच, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि जो एच है, एच के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगी है, इस ब्रैकेट से क्या होगा आपके पास जो लास्ट वाला सिंबल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो जितने भी सिंबल है ये आपके ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पे, लो हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन पहले आ जाएगा फिर प्लस आ जाएगा, फिर हमारे पास जो है ये स्टैक जो हो गया वो हो गया एम्प्टी, बिल्कुल खाली हो गया ये स्टैक। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो आंसर है वो आपके पास ये वाला आ गया, जो जिसके अंदर आपके पास हमने निकाला है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। अब इसका एल्गोरिदम हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पोस्ट, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये वाली ब्रैकेट डालनी है,
स्टैक के अंदर और ऐड क्लोज ब्रैकेट, ओपन और क्लोज ब्रैकेट डालनी बहुत जरूरी है दोनों के अंदर। बस फिर उसके बाद और कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी और वही चीज़ समझाई है जो मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर समझाई। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।